क्वेश्चन नंबर 17 क्या बोल रहा है देखो, एन एल्टीट्यूड ऑफ ए ट्राइंगल, एक ट्राइंगल है जिसका एल्टीट्यूड है, ट्राइंगल बना लेते हैं सबसे पहले फटाफट, ऐसा कुछ ट्राइंगल है जो आपका टॉप मोस्ट पॉइंट है, उस टॉप मोस्ट पॉइंट से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे ना। परपेंडिकुलर क्या होता है कि ये जो लाइन है ये इस बेस, इसको बेस बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं बच्चों, बेस। तो बेस के ऊपर ये जो लाइन ड्रॉ करिए, ये 90 डिग्री का एंगल बनानी चाहिए, कितने का, 90 का, तो इसको बोलते हैं परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर, और अगर कोई लाइन जो है बेस पर 90 डिग्री एंगल बनाती है तो इस लाइन को एक और बाबा एक और चीज़ कहते हैं एल्टीट्यूड, क्या बोलते हैं, एल्टीट्यूड। समझ आई बात, तो ये एल्टीट्यूड है ये बेस है। दो चीज़ें इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन में पूछा भी यही है कि फाइंड आउट द, यस फाइंड द बेस एंड एल्टीट्यूड ऑफ अ ट्राइंगल। तो बेस, बेस को एक्स कंसिडर कर लो, कंसिडर दैट बेस इक्वल्स टू एक्स एंड एल्टीट्यूड इक्वल्स टू वाई। अभी मीटर में सेंटीमीटर में ये देख लेते हैं, तो पूरे क्वेश्चन में देखो 4 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर ऐसा दे रखा, सब सेंटीमीटर में डाटा दे रखे हैं, मीन्स इनको भी आप सेंटीमीटर में कंसिडर कर लो, ये एक सेंटीमीटर का है, ये वाई सेंटीमीटर का एल्टीट्यूड है। अब क्या बोला, एल्टीट्यूड एन एल्टीट्यूड ऑफ ए ट्राइंगल, ट्राइंगल का जो एल्टीट्यूड है, एल्टीट्यूड की वैल्यू कितनी है, वाई। वाई के बारे में क्या बोल रखा, एल्टीट्यूड ऑफ ए ट्राइंगल इज 5/3, ये किसके इक्वल है, इज मतलब इक्वल 5/3, 5/3 ऑफ, 5/3 ऑफ द लेंथ ऑफ इट्स कॉरस्पॉन्डिंग बेस, 5/3 ऑफ बेस, कॉरस्पॉन्डिंग बेस का 5/3 है ये। सो दे एल्टीट्यूड इज मतलब इक्वल 5/3 ऑफ बेस, कॉरस्पॉन्डिंग बेस, तो इसका मतलब क्या हो गया, 5/3 ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई बेस, बेस की वैल्यू कितनी है, एक्स। सो द इक्वेशन क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी वाई इक्वल्स टू 5 × x 5x / 3, ये फर्स्ट इक्वेशन हो जाएगी, इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट, आगे बोल रखा है इफ एल्टीट्यूड बी इंक्रीज बाई 4, अगर एल्टीट्यूड को 4 से इंक्रीज करें, एल्टीट्यूड कितना है वाई, तो वाई को अगर 4 से इंक्रीज किया, ठीक है, और एंड बेस डिक्रीज बाई 2, बेस को 2 से डिक्रीज करें, ये एल्टीट्यूड हो जाएगा। अब न्यू एल्टीट्यूड कितना है, न्यू एल्टीट्यूड के लिए बोला कि एल्टीट्यूड इज इंक्रीज बाई, इफ द एल्टीट्यूड इज इंक्रीज बाई 4, एल्टीट्यूड को 4 से इंक्रीज कर दे, एल्टीट्यूड वाई था पहले, अब 5+4 हो गया, और न्यू बेस कितना हो जाएगा, बेस के लिए भी कुछ कह रखा है कि एंड द बेस इज डिक्रीज बाई 2, बेस को 2 से डिक्रीज करो, बेस पहले एक्स था, अब 2 से डिक्रीज करेंगे तो x-2 हो जाएगा, अब है ना, ये दोनों भी सेंटीमीटर में। अगर ऐसा कर दें कि एल्टीट्यूड को 4 से इंक्रीज और बेस को 2 से डिक्रीज कर दें तो क्या होगा, ले रखा द एरिया ऑफ ट्राइंगल रिमेन्स द सेम, तब भी एरिया ऑफ ट्राइंगल सेम ही रहेगा, मतलब अब ये जो नया ट्राइंगल बनेगा, क्योंकि एल्टीट्यूड चेंज हो गया, बेस भी चेंज हो गया, तो इस वाला ट्राइंगल, ये वाला ट्राइंगल कुछ ऐसा है, इसका बेस है x-2 और ये जो ये है एल्टीट्यूड वो है y+4, जबकि इस वाले ट्राइंगल का बेस जो है वो x है और एल्टीट्यूड जो है वो y है। अब बोला है कि नया वाला जो ट्राइंगल है और पुराने वाला ट्राइंगल, दोनों का जो एरिया है वो सेम ही रहता है, मीन्स इसका एरिया और इसका एरिया इक्वल करना है। सो द एरिया ऑफ ओरिजिनल ट्राइंगल इक्वल्स टू एरिया ऑफ न्यू ट्राइंगल, ये ट्राइंगल का साइन है। एरिया ट्राइंगल का, एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ ट्राइंगल हाफ बेस इंटू हाइट, ये फॉर्मूला होता है, हाफ बेस इंटू हाइट, हाइट या एल्टीट्यूड भी बोल सकते हैं, एल्टीट्यूड और हाइट एक ही है, यही तो हाइट है इस ट्राइंगल की, तो एल्टीट्यूड बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, एल्टीट्यूड, ये एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला होता है। इधर साइड में लिख दो भले, एरिया ऑफ ट्राइंगल इक्वल्स टू हाफ बेस इंटू एल्टीट्यूड, ठीक है। तो लगाते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल, ओरिजिनल ट्राइंगल हाफ बेस इंटू ओरिजिनल ट्राइंगल का बेस कितना है, ओरिजिनल ट्राइंगल का बेस एक्स है, और बेस इंटू हाइट है एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड कितना है वाई, ऐसे ही नए वाला ट्राइंगल का हाफ बेस, बेस कितना है नए वाला ट्राइंगल का x-2 और एल्टीट्यूड कितना है y+4, एल्टीट्यूड कितना है y प्लस
4. ठीक है, इसको अलग रखना, ये तो अलग से फॉर्मूला लिखा है मैंने। अब देखो क्रॉस मल्टीप्लाई कराएं, वैसे x और y को मल्टीप्लाई कराएंगे तो xy, और xy को 1 से मल्टीप्लाई कराएंगे xy आएगा अपॉन 2, और इधर आ जाएगा दिस इंटू दिस, सो x माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाई 5 प्लस 4 अपॉन 2, है ना। अब क्या करें, पहले इन दोनों को ब्रैकेट है तो इन दोनों को मल्टीप्लाई सोल्व करते हैं। पहले इस 2 को इधर भी भेज सकते हैं नेक्स्ट टाइम में, तो 2 को केवल इधर भेज दिया मैंने ऊपर, क्योंकि ये डिवाइड में थी तो उधर जाएगा मल्टीप्लाई में हो जाएगी। अब इस 2 से 2 कैंसिल हो गया तो इधर एक्स वाई बचा, और इधर ये दोनों टर्म बची तो इनको मल्टीप्लाई, पहले इस x को दोनों से मल्टीप्लाई कराएंगे फिर 2 को दोनों से, तो x को दोनों से x मल्टीप्लाइड बाई वाई प्लस 4, सॉरी 2 नहीं 4, और माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाई वाई प्लस 4। ठीक है, अब देखो आगे क्या करना चाहिए। सो एक्स वाई एज इट इज, एक्स इंटू वाई एक्स वाई, एक्स इंटू 4 फोर एक्स, माइनस 2 इंटू वाई माइनस 2 वाई, और माइनस 2 इंटू 4 माइनस 8, 2 4 जे 8 माइनस प्लस माइनस। एक्स वाई एज इट इस प्लस एक्स वाई को इधर ले आओ माइनस एक्स वाई, क्योंकि इक्वल्स टू ये राइट हैंड साइड में ना, तो लेफ्ट हैंड साइड में आएगा, साइन चेंज हो गया। माइनस इस प्लस 4 एक्स को भी इधर लेके जाओ तो माइनस 4 एक्स, या नहीं लेके आओ तब भी चलेगा कोई प्रॉब्लम नहीं, उनको उधर ही रहना दो। एक्स वाई में से एक्स वाई गया तो 0, तो इधर 0 बच गया, 0 इक्वल्स टू 4 एक्स माइनस 2 वाई माइनस 8। ये आ गई आपकी इक्वेशन नंबर 2, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ये इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2 थोड़ी टिपिकल वन तरीके से आई है बट आई है। अब क्या करना, वाई की वैल्यू पुट कर दो यहाँ पर, पुट द वाई इक्वल्स टू 5x बाई 3, वाई की वैल्यू जो 5x बाई 3 है, वाई की वैल्यू वो यहाँ पुट कर दो, जहाँ जहाँ पे भी वाई वहाँ 5x बाई 3 लिख दो। देखो सो 0 इक्वल्स टू 4x माइनस 2, वाई की जगह 5x बाई 3, और इस माइनस 8 को मैं इधर ट्रांसफर करूँगा तो क्या हो जाएगा, प्लस 8, इसी स्टेप में कर दिया मैंने। ओके सो ये क्या हो जाएगा, 8 इक्वल्स टू 4x माइनस 2 5 जे 10, एक्स का एक्स अपॉन 3, 10x अपॉन 3 ये आ जाएगा, 4x माइनस 10x अपॉन 3। ठीक है बच्चों, इस तरह से 4x माइनस 10x अपॉन 3। अब इसको थोड़ा सा इधर सोल्व कर लेते हैं, इधर इसके अपॉन में कुछ नहीं तो 1, एलसीएम ले लेते हैं 3 और 1 का, तो 3 एलसीएम आ जाएगा। इसको इक्वेशन नंबर 2 दे दो, इधर से जगह बना लेते हैं। सो 1 और 3 का एलसीएम 3, 3 डिवाइडेड बाई 1 3, 3 इंटू 4x 12x, माइनस का माइनस, 3 डिवाइड बाई 3 1, 1 इंटू 10x 10x, और ये इक्वल्स टू में 8 है तो इक्वल्स टू 8 को लिखना ही है आपको। 12x माइनस 10x 2x अपॉन 3 इक्वल्स टू 8 है, इसके अपॉन में कुछ नहीं तो 1, क्रॉस मल्टीप्लाई कराओ, सो 1 इंटू 2x 2x और 3 8 या 24, सो द वैल्यू ऑफ x विल बी इक्वल्स टू 24, 2 और x मल्टीप्लाई में तो 2 डिवाइड में चला जाएगा, सो द वैल्यू ऑफ x विल बी इक्वल्स टू 24 बाई 2 12, 2 से डिवाइड करेंगे 12 टाइम हो जाएगा, तो 12 सेंटीमीटर जो है वो बेस आ जाएगा, x ही तो है बेस, तो बेस की वैल्यू 12 सेंटीमीटर। अभी x की वैल्यू इस फर्स्ट इक्वेशन वापस पुट कर दो तो y की वैल्यू आ जाएगी, सो y कितना हो जाएगा, y विल बी इक्वल्स टू 5x बाई 3, सो y इक्वल्स टू 5x की वैल्यू 12 बाई 3, 12 5 जी 60 बाई 3, 60 को 3 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा 20, सो 20 सेंटीमीटर y की वैल्यू आ जाएगी, और 12 सेंटीमीटर जो है वो x की वैल्यू है, मतलब 12 सेंटीमीटर आ गया आपका बेस, और 20 सेंटीमीटर जो आ गया आपका वो आपका क्या है बच्चों, एल्टीट्यूड। ठीक है, लेट्स ऑल, जैसे जैसे मैंने सोल्व किया वैसे वैसे ही लिखना, हर कहीं से कुछ मत लिखना और समझ के लिखना, थोड़ा क्वेश्चन लेन दिए।
यस नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर एटीन तो बहुत सिंपल है बट देख लो फंडे सब क्वेश्चन में थोड़ा डिफरेंट डिफरेंट है इसलिए सारे क्वेश्चन बताने पड़ेंगे. 18 देखो टू एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल. एक ट्राइंगल जो होता है इस तरह का ट्राइंगल होता है बच्चों. ट्राइंगल किसी भी तरह का हो सकता है बट ट्राइंगल की एक चीज़ है कि तीन एंगल होता है इसमें 1, 2, 3 और तीनों एंगल का सम सम ऑफ ऑल थ्री एंगल्स इक्वल्स टू 180 डिग्री होता है. तीन ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम जो है वो 180 डिग्री होता है. ये फैक्ट है इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. ओके एक चीज़ और अब क्या बोला है कोई पूछा है क्या क्वेश्चन में पहले ये पढ़ लेते हैं. तो पूछा ये है कि फाइंड द एंगल्स ऑफ ट्राइंगल. ट्राइंगल के तीनों एंगल निकालना है तो एक एंगल को और ठीक है एंगल निकालना है. ये तीनों एंगल है फर्स्ट एंगल ये सेकंड एंगल ये थर्ड एंगल. इन तीनों की वैल्यू निकालनी है. ओके अब क्या क्या गिवन है देखते हैं. टू एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल आर इन रेशियो. रेशियो दे रखा मान लेते पहला और दूसरा जो ट्राइंगल है फर्स्ट एंगल और सेकेंड एंगल इन दोनों का रेशियो दे रखा कितना 4:5 यस 4:5 टू एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल आर इन रेशियो 4:5. जब भी रेशियो में दे रखा हो कैसे निकालते हैं तो फर्स्ट एंगल और सेकंड एंगल का रेशियो दे रखा है तो फर्स्ट एंगल कितना हो जाएगा. मैंने बताया था जब भी नंबर दे रखा हो तो नंबर का रेशियो दे रखा हो तो नंबर कैसे निकालते हैं मल्टीप्लाइड बाई एक्स एक्स से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो फर्स्ट एंगल हो जाएगा 4x और सेकेंड एंगल हो जाएगा 5x एक्स से मल्टीप्लाई कर और थर्ड एंगल नहीं पता तो थर्ड एंगल को कुछ और मान लेते हैं. थर्ड एंगल इसकी वैल्यू वाई मान लेते हैं. ये एक्स हो गए तो ये वाई ये तीन चीज़ें अब कंसिडर हो गई हैं अपने ठीक है. अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में. इफ द सम ऑफ दीज एंगल्स इज इक्वल्स टू सम ऑफ दीज एंगल्स मतलब ये जो दोनों एंगल है इन दोनों का जो सम है मतलब 4x प्लस 5x इन दोनों का जो सम है वो किसके इक्वल है इज इक्वल्स टू द थर्ड एंगल. थर्ड एंगल के थर्ड एंगल ये है ना इसके इक्वल है मतलब वाई के इक्वल है ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं है. तो 4x प्लस 5x कितना हो गया 9x इक्वल्स टू वाई. ये इक्वेशन नंबर आपकी क्या आ गई फर्स्ट. अब आपको एक चीज़ बताएं अब और तो कुछ दे ही नहीं रखा उसके बाद में ये लिख रखा फाइंड द एंगल्स. अब दूसरी इक्वेशन कहाँ से लाएंगे. अभी जितने भी क्वेश्चन थे सब में दो दो इक्वेशन बन रही थी यहाँ तो एक ही बनी है. दूसरी इक्वेशन इस वाले कॉन्सेप्ट से बनेगी इस वाले फैक्ट से बनेगी कि सम ऑफ ऑल एंगल्स विल बी इक्वल्स टू 180. तो सम ऑफ ऑल एंगल्स कौन कौन से 4x दूसरा 5x और तीसरा 5x और थर्ड वाई. इन तीनों का सम कितना होगा 180. ये यहाँ से अपने इक्वेशन फर्स्ट बनना स्टार्ट हुई यहाँ से सेकंड बनना स्टार्ट हो रही है 4x प्लस 5x प्लस y इक्वल्स टू 180 है ना. तो दैट्स ऑल 4x प्लस 5x 9x प्लस y इक्वल्स टू 180. ये इक्वेशन नंबर टू बोल दो इसको. सो 9x प्लस अब क्या करेंगे दो इक्वेशन बनने के बाद में फर्स्ट इक्वेशन से वैल्यू पुट करेंगे किसकी y इक्वल्स टू 9x है तो y की वैल्यू पुट कर देते हैं या x की भी पुट कर सकते हो. x की पुट करोगे तो x की वैल्यू निकालनी पड़ेगी. x की वैल्यू आएगी 9y/9 तो रहने दोनों y की वैल्यू पुट करो डायरेक्ट. y की वैल्यू 9x है तो पुट द वैल्यू ऑफ y फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट टू इक्वेशन सेकेंड. सो 9x प्लस y इक्वल्स टू 9x है तो y की जगह भी 9x इक्वल्स टू 180. 9x प्लस 9x 18x इक्वल्स टू 180. सो x विल बी इक्वल्स टू 180 और ये 18 और x के बीच में मल्टीप्लाई का साइन है तो ये 18 डिवाइड में चला जाएगा. सो द वैल्यू ऑफ x विल बी इक्वल्स टू 10 आई थिंक क्या आई एम श्योर 180/18 10 ही आएगा तो इधर x की वैल्यू 10 आ गई. बट x अभी तक आंसर नहीं आया. आंसर पूछा क्या अपने को क्वेश्चन में अपने को जब फाइंड आउट द एंगल्स तीनों एंगल पूछे हैं तो अभी तीनों एंगल क्या है फर्स्ट एंगल तो 4x है तो एंगल निकालना है ना. तो फर्स्ट एंगल की वैल्यू जो है फर्स्ट एंगल वो 4x के इक्वल है. 4x की वैल्यू कितनी है 10 रखो तो 10/4 = 40. सेकेंड एंगल जो है 5x है सो सेकेंड एंगल विल बी इक्वल्स टू 5x 4x की वैल्यू 5x है ना तो 5x की वैल्यू 10 5×10 = 50. ये दोनों 40 डिग्री और 50 डिग्री. थर्ड एंगल की वैल्यू वाई है. थर्ड एंगल इक्वल्स टू वाई. वाई की वैल्यू कितनी देर की है फर्स्ट इक्वेशन देखोगे तो वाई की वैल्यू पता लग जाएगी आपको. वाई इक्वल्स टू 9x वाई 9x के इक्वल है तो वाई की जगह 9x रख सकते हैं और 9×x की वैल्यू कितनी है 10 तो 9×10 = 90 तो 40, 50 और 90 ये तीनों एंगल हो गए ट्राइंगल के. ठीक है बच्चों
Yes, next. क्वेश्चन नंबर 19, ये भी डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है, क्लास 10th का क्वेश्चन है ये, वैसे 8th में भी है, अभी 10th में भी आता है, क्लास 10th में भी है ना। देखो अच्छा क्वेश्चन है, और बोर्ड में भी, CBSE बोर्ड में भी बहुत बार पूछा गया, CBSE बोर्ड क्लास 10th में, तो हो सकता है कि इस साल मैं भी पूछूं, ऐसा क्वेश्चन बहुत पूछा गया। ठीक है, देखो इस क्वेश्चन को देखने से पहले मैं 2-3 चीज़ें आपको समझा देता हूँ, ठीक है, वो समझ लो पहले, छोटी छोटी चीज़ें। सबसे पहली चीज़ ये है, टाइम का फॉर्मूला जो है, टाइम निकालने का फॉर्मूला होता है, वो होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस को अगर स्पीड से डिवाइड कर देते तो टाइम आ जाता है, ठीक है, एक तो ये फॉर्मूला है टाइम का। दूसरी चीज़, जैसे मान लो एक ये नदी है, ठीक है, इस नदी में क्या हो गया, ये रिवर है, इस रिवर में इधर से इधर वाटर आ रहा है, ठीक है बच्चों, समझो इसको अच्छे से, इस तरह से वाटर आ रहा है, ठीक है। अब क्या हुआ, आपका गांव कहीं यहाँ पर है, आप यहाँ रहते हो ए जगह पर, और आपको बी जगह पर आना है, यहाँ पर मार्केट है कंसिडर करो, और ये आपका विलेज है या होम टाउन आप, तो विलेज से आप बोट लेके स्टार्ट हुए, बोट है ना, नदी से ही आना, क्योंकि नदी के अलावा और कोई रास्ता नहीं है आने का, इधर तो जो है ना, इधर बहुत जंगल वंगल है ऐसा समझ लो, या रेड जोन एरिया है, रेड अलर्ट एरिया है ऐसा समझ लो। अब यहीं से आना है, तो आपने एक बोट ली, बोट में आप बैठे और इधर आए, आप बोट को भी चला रहे हो चप्पू से, ठीक है, तो बोट को चला रहे हो तो आप भी कुछ न कुछ फोर्स लगा रहे हो, और ये नदी का पानी भी इधर ही आ रहा, तो नदी का जो वाटर है वो भी आपके आपके आप जिधर जाना चाह रहे हो उधर ही फोर्स लगा रहा है, तो आप जल्दी से जल्दी यहाँ पहुँच जाओगे, ठीक है, क्यों, क्योंकि आपकी स्पीड और वाटर की स्पीड दोनों एक ही डायरेक्शन में है, आप भी इधर जाना चाह रहे हो तो पानी को पीछे धकेल रहोगे तो आप आगे जाओगे, और वाटर भी आगे आपको ले जा रहा है, तो दोनों स्पीड सेम डायरेक्शन में है, वाटर की स्पीड भी इधर ही है, स्पीड ऑफ वाटर वो भी नीचे की तरफ है, और स्पीड ऑफ स्टीमर वो भी नीचे की तरफ, स्टीमर मतलब जो चला रहा है उसकी भी नीचे की तरफ, दोनों की नीचे की तरफ मतलब स्पीड जो है वो ऐड हो जाएगी। मान लो स्टीमर की स्पीड 5 किलोमीटर पर आवर है, और स्पीड वाटर की स्पीड है 6 किलोमीटर पर आवर, तो टोटल स्पीड जो है वो 11 किलोमीटर पर आवर हो जाएगी, दोनों की स्पीड ऐड हो जाएगी, मतलब स्पीड बढ़ जाएगी, इसका मतलब जल्दी से आ जाओगे, ज़्यादा स्पीड होगी तो जल्दी से आ जाओगे। इस तरह के फिनोमिना को बोलते हैं डाउनस्ट्रीम, क्या बोलते हैं बच्चों, डाउनस्ट्रीम फिनोमिना। डाउनस्ट्रीम मतलब स्ट्रीम के साथ में, जिस डायरेक्शन में स्ट्रीम है, जिस डायरेक्शन में बहाव है उसी डायरेक्शन में आप जा रहे हो, दैट इज कॉल्ड डाउनस्ट्रीम फिनोमिना। एक इसका अपोजिट होता है अपस्ट्रीम फिनोमिना, इधर समझते हैं, अपस्ट्रीम फिनोमिना ये क्या होता है, अपस्ट्रीम फिनोमिना इसको भी समझ लेते हैं। अगर ये रिवर है, रिवर की जो डायरेक्शन है वो इधर है, मान लो अब आप मार्केट तो आ गए, मार्केट से कुछ सामान खरीद लिया, अब वापस इधर से जा ही नहीं सकते, रेड अलर्ट जोन है ये तो एरिया, जाना आपको इधर से ही है। अब रिवर इधर चल रही है, रिवर की डायरेक्शन चेंज तो होगी, रिवर की डायरेक्शन तो फिक्स है, अब आपको इधर जाना है, अब बताओ आपको, अब आपको फोर्स ज़्यादा नहीं लगाना पड़ेगा, क्योंकि जो आपकी बोट है वो आपकी बोट को अब इधर जाना, तो बोट की स्पीड इधर ले जानी है, और वाटर इधर, तो वाटर तो बोट को पीछे लेके जाएगा, तो जब तक आप फुल फोर्स नहीं लगाओगे, ज़्यादा फोर्स नहीं लगाओगे, तब तक बोट आगे नहीं जाएगी, इसका मतलब अब आपको मेहनत बहुत ज़्यादा करनी पड़ेगी, इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में अब आपको ज़्यादा टाइम लगेगा, तो अब अपोजिट डायरेक्शन में, अगर आपको अब अपोजिट डायरेक्शन में बोट को लेके जाना है ना, स्टीमर जो है, स्टीमर की जो डायरेक्शन है वो इधर है, और वाटर की डायरेक्शन इधर है, अपोजिट डायरेक्शन में, इसको कहते हैं अपस्ट्रीम फिनोमिना। अपस्ट्रीम मतलब आप स्ट्रीम के ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रहे हो, स्ट्रीम इधर है और आप स्ट्रीम के ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रहे हो, मतलब स्ट्रीम के अपोजिट डायरेक्शन में मूवमेंट करने की ट्राई कर रहे हो। अब देखो इन दोनों में क्या बात याद रखनी है,
डाउनस्ट्रीम में दोनों एक ही साइड डायरेक्शन में, तो स्पीड ऐड हो जाती है। इसका मतलब इसके अंदर जो स्पीड होती है, टोटल स्पीड किसके अंदर, डाउनस्ट्रीम के अंदर, वो होती है स्पीड ऑफ स्टीमर, मतलब बोट की स्पीड, प्लस स्पीड ऑफ वाटर या स्पीड ऑफ रिवर। रिवर की स्पीड और स्टीमर की स्पीड दोनों ऐड हो जाती है, मैंने बता दिया यहाँ पर। ये याद रखना लायक चीज़ है यहाँ पर, बस। ये कब होता है, जब डाउनस्ट्रीम होता है तब। और ये इसके अंदर अपस्ट्रीम के अंदर टोटल स्पीड जो होती है वो होती है, अब देखो एक बात तो पक्की है कि ये जो स्टीमर है वो यहाँ पहुँचेगा जैसे तैसे करके, वो तब पहुँचेगा जब स्टीमर की जो स्पीड है वो ज़्यादा होगी और वाटर की स्पीड कम होगी। क्योंकि मान लो स्टीमर की स्पीड यहाँ से 10 किलोमीटर की है, 10 किलोमीटर पर आवर की, और वाटर की स्पीड 11 किलोमीटर पर आवर की है, इसका मतलब फाइनल स्पीड कितनी हो जाएगी, 1। क्योंकि 10, इसकी 10 इधर है, इसकी 10 इधर, 10 इधर, 10 और 10 कैंसिल हो जाएगी, इसकी 1 और ज़्यादा है, तो 1 मोर ज़्यादा है, तो इसका मतलब ये स्टीमर आगे नहीं जाने की वजह पीछे चला जाएगा 1 किलोमीटर पर आवर से। तो एक बात पक्की है कि स्टीमर को और ज़्यादा वाटर की जो स्पीड है उससे भी ज़्यादा स्पीड से चलाना पड़ेगा। मतलब स्टीमर को अगर आगे जाना तो 12 किलोमीटर पर आवर से चलाना पड़ेगा, या 11.1 से चलाना पड़ेगा, या 20 से चलाना पड़ेगा, या 100 से चलाना पड़ेगा। इसका मतलब क्या है, यहाँ स्पीड माइनस होती है। तो अगर स्टीमर की स्पीड यहाँ 12 है और वाटर की 11 है, तो फाइनल स्पीड जो है ना वो 12-11 1 ही आएगी, 1 किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ स्पीड जो है माइनस होती है। कैसे माइनस होती है, स्पीड ऑफ स्टीमर में से स्पीड ऑफ रिवर माइनस कर दो। यहाँ ये फॉर्मूला है स्पीड का, यहाँ माइनस होती है रिवर की स्पीड, यहाँ रिवर की स्पीड प्लस होती है। ये ध्यान रखने वाली चीज़ें हैं अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम में, ठीक है। अब क्वेश्चन करेंगे अपन, यस, सो स्टीमर गोज डाउनस्ट्रीम। तो सबसे पहले अपन लिख दिया डाउनस्ट्रीम, और आपको कुछ कंसीडर करना है तो पहले कंसीडर कर लो। क्या कंसीडर करना, पढ़ लो, पता लग जाएगा। फाइंड द स्पीड ऑफ स्टीमर, स्टीमर की स्पीड, तो कंसीडर दैट, लिख देते हैं, कंसीडर दैट स्पीड ऑफ स्टीमर इक्वल्स टू एक्स किलोमीटर पर आवर। एक्स किलोमीटर पर आवर की स्पीड मान ली, एक किलोमीटर पर आवर में, क्यों, क्योंकि देख लो इसके अंदर, क्वेश्चन के अंदर सारी स्पीड और टाइम किलोमीटर पर आवर में ही दे रखा है, टाइम आवर में दे रखा है, स्पीड किलोमीटर पर आवर में दे रखी है, ठीक है। अब क्या बोला और क्या पूछा, एंड द डिस्टेंस बिटवीन द पोर्ट्स, दो पोर्ट्स है, डिस्टेंस कंसिडर कर लो, एंड डिस्टेंस कंसिडर कर लिया आपने वाई किलोमीटर, क्योंकि डिस्टेंस किलोमीटर में ही होती है, स्पीड किलोमीटर पर आवर में होती है, ठीक है। डिस्टेंस ये कंसिडर कर लिया वाई किलोमीटर। अब देखो, अब क्या बोला, स्टीमर गोज डाउनस्ट्रीम, तो डाउनस्ट्रीम के केस में क्या होगा, फ्रॉम वन पोर्ट टू अनदर पोर्ट। एक दो पोर्ट है, मान लो एक पोर्ट यहाँ है और एक पोर्ट यहाँ है, पोर्ट वन और पोर्ट टू, तो यहाँ से यहाँ तक जाता है डाउनस्ट्रीम के केस में। डाउनस्ट्रीम के केस में मतलब यहाँ स्टीमर भी इधर ही आ रहा है, स्टीमर और रिवर भी इधर ही है, तभी तो डाउनस्ट्रीम हो गया सेम डायरेक्शन में। तो डाउनस्ट्रीम के केस में क्या होगा, एक पोर्ट से दूसरे पोर्ट पर आता है कोई स्टीमर, तो क्या होता, इट टेक्स इन 9 आवर्स, 9 आवर में आता है। तो टाइम कितना लगता है इस वाले केस में, टाइम लगता है 9 आवर, 9 आवर। टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, अभी बताया था मैंने, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, टाइम 9 है, डिस्टेंस पता नहीं है, डिस्टेंस वाई किलोमीटर पर आवर मान रखी है, और स्पीड पता नहीं है। स्पीड देखो डाउनस्ट्रीम में क्या स्पीड होती है, टोटल स्पीड कैसी होती है, डाउनस्ट्रीम में टोटल स्पीड ऐड होती है स्टीमर की स्पीड प्लस वाटर की स्पीड। तो वाटर की स्पीड या स्टीमर की स्पीड तो एक्स है, अपॉन में स्पीड लिखना ना टोटल स्पीड, तो टोटल स्पीड किसकी आएगी, स्टीमर की स्पीड प्लस वाटर की, रिवर की स्पीड तो पता ही नहीं है, आगे पढ़ेंगे तो पता लगेगा थोड़ा सा आगे पढ़ने पर। इफ द स्पीड ऑफ स्ट्रीम इज 1 किलोमीटर पर आवर, स्ट्रीम मतलब वाटर, स्टीमर अलग है, स्टीम अलग है, स्टीमर मतलब जो बोट चला रहा है, बोट, ये बोट वाला जो बोट चला रहा है, और रिवर मतलब रिवर को स्ट्रीम भी बोल रखा है, स्ट्रीम मतलब रिवर, तो रिवर की स्पीड 1 किलोमीटर पर आवर है, तो रिवर की स्पीड ऐड कर दो। तो रिवर की स्पीड और स्टीमर की स्पीड दोनों ऐड करेंगे तभी तो डाउनस्ट्रीम होगा, डाउनस्ट्रीम में टोटल स्पीड ऐड होती है, ये 9 के इक्वल आ जाएगा, क्योंकि 9 आवर लगे। इसके अपन में कुछ नहीं, 1 क्रॉस मल्टीप्लाई करा सकते हैं सोल्व करने के लिए,
सो 9x + 1 = 1 × y, 1y. 9 × x 9x + 9 × 1 9 = 1y. मतलब y की वैल्यू बेसिकली 9x + 9 है. इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे सकते हो आप चाहो तो. ठीक है बच्चों, टाइम का फॉर्मूला लगा के वैल्यू रखिए. डाउन स्ट्रीम में था इसलिए स्पीड ऐड कर दी. अब अप स्ट्रीम की बात भी होगी. देखो, इट कवर्स द सेम डिस्टेंस. सेम डिस्टेंस मतलब यही डिस्टेंस, डिस्टेंस y. सेम डिस्टेंस, इट कवर्स द सेम डिस्टेंस अपस्ट्रीम इन 10 आवर्स. अपस्ट्रीम में 10 घंटे लगते हैं. सही बात है, अपस्ट्रीम में ज़्यादा टाइम लगेगा. डाउन स्ट्रीम में 9 घंटे लगे. अपस्ट्रीम में स्ट्रीम के अपोजिट जाना तो ज़्यादा टाइम लगेगा, क्योंकि स्पीड धीरे होगी, क्योंकि वाटर अपोजिट डायरेक्शन से आ रहा है. तो अपस्ट्रीम में क्या होगा, टाइम का वापस फॉर्मूला. टाइम का फॉर्मूला क्या, डिस्टेंस अपॉन स्पीड. तो टाइम कितना लगा इसमें, टाइम लगा 10 आवर्स. डिस्टेंस कितनी है, डिस्टेंस वही है. स्पीड कितनी है, स्पीड माइनस होगी किसमें से, क्या स्टीमर की स्पीड में से, या फिर बोट की स्पीड में से स्टीम की स्पीड. स्टीम की स्पीड की स्ट्रीम की स्ट्रीम की स्पीड कितनी है, 1. तो 1 माइनस होगी किसमें से, बोट की स्पीड में से. बोट की स्पीड कितनी है, बोट या स्ट्रीमर की, स्ट्रीमर की स्पीड x है. तो x में से 1 माइनस हो गया. ये रिवर की स्पीड है, ये जो बोट चला रहा है उसकी स्पीड. तो बोट चलाने वाले की स्पीड में से रिवर की स्पीड माइनस कर दी. तो क्योंकि ये अपस्ट्रीम में, तो अपस्ट्रीम में माइनस होता है. इसके अपॉन में 1, सेम क्रॉस मल्टीप्लाई. तो 10 × x - 1 = 1 × y, y या 1y. दैट्स ऑल. स्कोर आगे सोल्व करते हैं. सो 10 × x 10x - 10 × 1 10 ± −. ठीक है ना, = y. इसको इक्वेशन नंबर 2 दे दो, या इसको नहीं दो तो इसको दे दो. इक्वेशन नंबर 2 आप पुट वैल्यू करो. पुट द वैल्यू ऑफ फर्स्ट इक्वेशन से किसकी, y की वैल्यू ऑफ y फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट टू इक्वेशन सेकेंड. इक्वेशन सेकेंड में पुट करनी है. जहाँ पर भी y दिखे वहाँ पर वैल्यू पुट कर देंगे. y ये रहा, तो y की वैल्यू कितनी है, 9x + 9. सोल्व कर लेते हैं. सो 10x वेरिएबल अलग, ये इसको इधर लाते हैं. 9 एज इट इज, कॉन्स्टेंट को उधर ले जाते हैं. साइन चेंज हो गया. 10x - 9x 1x. 9 + 10 = 19. सो द x = 19 अपॉन 1. 19 ही आंसर आएगा. x की वैल्यू 99. x क्या है, किलोमीटर पर आवर में स्पीड है. किसकी, स्ट्रीमर की. स्ट्रीमर मतलब बोट की. तो 19 km/h. x की वैल्यू आ गई. y की वैल्यू कैसे निकालोगे, तो x की वैल्यू पुट कर दो इक्वेशन फर्स्ट में. पुट x = 19 इन इक्वेशन फर्स्ट. इक्वेशन फर्स्ट में पुट करो. इक्वेशन फर्स्ट ये रही. सो y = 9x + 9. 9x की जगह 19 + 9. सो y = 99 जे 1 71 + 9. सो y = 180. y किलोमीटर मीटर की, या किलोमीटर पर आवर किस में आएगा. y क्या था, किलोमीटर, क्योंकि डिस्टेंस है. तो ये भी किलोमीटर में आ जाएगा, 180 किलोमीटर. तो डिस्टेंस 180 किलोमीटर होगी, और स्टीमर की जो स्पीड है वो 19 किलोमीटर पर आवर है. दैट्स ऑल.